हाँ चालू है भाई। भाई पिछला लाइव है किसी प्राकृतिक समस्या के कारण जो कट गया था, लेकिन फिलहाल काबरेल गांव में हम लोग मौजूद है। और रोज तक सनपत में भी इतनी भीड़ को नहीं मिलती जितनी भीड़ आदमपुर में मिल रही है। पूरी जनता तो भीतर बैठ रही है, फोटो खिंचाने का इतर बैठ रही है और पूरी जनता पाछा बैठी है भाई। ठीक से फिलहाल दीपेंद्र सिंह उठा था, एक बार बात करने की कोशिश करांगे। उन्हें क्या करे बोले ये वो नेता है जिसका कुर्ता पकड़ कर आ रहा है भाई, मेरा काम करा दे रहा है, ये वो नेता है। कुलदीप बिश्नोई को नहीं हो बात हो जाएगी, भीड़ देखी एक बार नुए थोड़ी बात हो जाएगी, लोग तो लाइक के देख हाँ कर रहे हो यार इतनी भीड़ देखिए कुत्ते कुर्ते पड़े नहीं भाई पैर नरानी हाँ अच्छा चावे हैं लोग है? लोग चावे है इस आदमी ने। ठीक है भाई ठीक है ला दीपेंद्र सिंह उठा दी देख देख कितना लाड़ी हो यो लाड़ देख का भाई भाई दिखाते रहियो एक बार कैमरे में यो लाड़ देख का लोग आका भाई लते पड़न नहीं रहे हैं। भूपेंद्र उड्डा नाम चल रहा है, नाम चल है ले नाम ही काफी है वो बात है। तो फिलहाल देख को मिलते हुए नजर आवे हैं जनता है और भाई इतना भरा जन समर्थन की देना की कुलदीप बिश्नोई की समस्या जो है जरूर बड़ा होगा, समस्या की बड़ा होगा रहेगा भाई पर आवांगे। चलो भाई चलो सर 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 पिछला रह गया था इतना भारी जन समर्थन मिल रहा है धन्यवाद। 10 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, एक शीश वाला गांव और हो जाएगा। अच्छा एक चलते चलते बात कर लेंगे हम तो चलते चलते कर लेंगे देख रहे रुक जाओ हम अच्छा अगेन अगेन आ जाओ। अच्छा अभी फ्यूचर प्लानिंग कह रहे हो कि जिस प्रकार से जेपी जी जो है लड़वाए हैं एक बार आप चलो 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 प्लीज सर जेपी जी का इलेक्शन है जिस प्रकार से आपने लगा है और इतना भारी जन समर्थन रोज तक मैं भी देखा इतना भारी जन समर्थन हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ से हम जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी जीतेगी, जीतेंगे हरियाणा में बदलाव आएगा, इस सरकार की छुट्टी करेंगे और कुलदीप बिश्नोई जी की भी छुट्टी करेंगे। गढ़ कुलदीप बिश्नोई का बताया जाओ लोगों का होता है लोगों का होता है गढ़ अच्छा गढ़ लोगों का होता है किसी का व्यक्ति का नहीं होता। अच्छा अभी जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का दिन प्रतिदिन वोटर बढ़ता जाने लग रहा है उम्मीद तो काफी जगती होंगी वापिस से। पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे, आप देखो इलेक्शन का किस तरह ग्राफ बढ़ा है, अभी ग्राफ भी बढ़ने लग रहा है, लगातार लगातार जो है प्रोग्राम काफी लेट नाइट तक आपके चल रहे हैं, इतनी लेट तक कौन सी एनर्जी पंप ले हो? ये तो जो है भाई लोगों का आशीर्वाद है, उसी से हमारी बैटरी चार्ज होती है। नहीं मतलब जिस प्रकार से आप काम कर रहे हो चौधरी, लोगों के आशीर्वाद से बैटरी चार्ज होती है। चौधरी उदयभान जी अलग वोट मांगने लग रहे हैं, जेपी जी भी अलग वोट मांगने लग रहे हैं, मतलब इतनी वोट कितने के जाओगे? जीत तो निश्चित होती हो आपके कार्यकर्ता बताने लग रहे हैं। नहीं ऐसा है कि लोगों के आशीर्वाद की वजह से, और देखो ये यहाँ ये वो आदमपुर क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पे कहा जा रहा था कि कहीं कोई और पार्टी स्टैंड नहीं करेगी, आज आप चुनाव देखो, आज चुनाव में जो है दिन प्रतिदिन एक जो दिन प्रतिनिधि जिस तरीके से हमारे ग्राफ में इजाफा हुआ है मुझे विश्वास है। अमूमन देखा जाओ नेता ने एक डंग भी चलना हो गाड़ी में जाएगा, आप बेशक 100 मीटर हो 200 मीटर 500 मीटर गांव में कदम गाड़ी में नहीं चलते, 2 फुट जाओगे तो ये अपना अच्छी बात है, शहर हो जाती है। अच्छा मैं आप धन्यवाद करूंगा जी जी क्योंकि लोगों से बात करेंगे। ठीक है जी बहुत बहुत धन्यवाद, छोटा सा शहर हो जाते जी जी। तो फिलहाल दीपेंद्र सिंह उठे भाई, भीड़ 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 तो दूर तो क्या भीड़ दिखा दे भाई कत्ती मैं अनुकूल जबरदस्त भीड़ फिलहाल भी भाई लटकट जाएगा ये देख लो लटकट जाएगा। इबकिन कहने लग रहे हैं इबकिन जेपी जयप्रकाश नाम लोग जिता के भेजेंगे, आपका क्या कुछ कहना है एक बार कमेंट के जरिए सभ्य कमेंट के जरिए जरूर बता दिए। और भीड़ इब तक जो है पीछे चल रही है और लोग आ रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा भारी जन समर्थन फिलहाल देखने को मिला है। कल जो है खास बातचीत कराएंगे हम, अभी तो क्योंकि प्रोग्राम है काफी लेट हो गया, ये प्रोग्राम 4 बजे का दर ईब जाकर सापड़ है 10 बजे त्यू प्रचार कर सके तो ज्यादा सापा फिलहाल बात करी नहीं हमने, लेकिन कल स्पेशल इंटरव्यू कराएंगे, वीडियो शेयर कर दिया कमेंट कर बता दिया मिला था। राम राम जय जय भारत जय जवान जय किसान जय भगत सिंह।